Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. Good evening दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त और आ गया हूँ आज भी बहुत सारी न्यूज़ लेके। अब अचानक से ये मुझे न्यूज़ कहाँ से मिलने लगी ये तो वैसे, बट कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा न्यूज़ आपको ला के दूँ जो रिलेवेंट हो और आपको भी मज़ा आए। तो पहले बात करते हैं आईफोन के बारे में। काफ़ी सारे जो लवर्स हैं आईफोन के, उनको अब प्राइसेस जो हैं फ़ोन्स के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सेम ही ऑलमोस्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि टैक्स का जो स्लैब था अलग अलग रेट्स का, वो टैक्स का स्लैब जो है वो फिक्स हो चुका है। तो उसकी वजह से आईफोन के रेट्स जो पहले ऑफलाइन मार्केट में 5,000-6,000 रुपए ज़्यादा मिलते थे और ऑनलाइन में थोड़े सस्ते मिलते थे या वाइस वर्सा जो भी हो, तो वो अब 1,000-1,500 के बीच में ही रहेगा। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आईफोन खरीद रहा है तो पहले ऑफलाइन मार्केट में भी देख लीजिएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि ऑफलाइन मार्केट से लेने से आपको वारंटी में थोड़ी बेनिफिट मिलती है या फिर 100% वारंटी मिलती है। तो ऐसे मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, ऐसा जो सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे सब दौड़ रहे हैं फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे एक नया खिलाड़ी आ गया है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक ने रेस लगा दी है फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए। उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से तो अब पता नहीं कितना आएगा, 100 मिलियन के आसपास, जो पहले स्नैपडील ने खरीदा था $300 मिलियन में, तो अब उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे जोर लगा रहा है कि वो फ्रीचार्ज को खरीद ले, ताकि उनके जो कस्टमर बेस है, पेमेंट गेटवे का जो उनका फीचर है, सर्विस है, वो सारे कस्टमर्स यहाँ पे मूव हो जाए। आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एक्सिस बैंक की टूवर्ड्स दिस न्यू कॉन्सेप्ट, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, कुछ लोगों ने रिव्यू प्रोडक्ट्स भेजे हैं मुझे रिव्यू करने के लिए, तो वो जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और अपने इंग्लिश चैनल में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और जगह की रिव्यूज़ करूँगा, तो वो चैनल भी आप देखना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मुझे पता है, और नहीं भी सब्सक्राइब किया है, बट इट्स ओके। इतना मुझे पता है कि उस चैनल में जो होगा वो इस चैनल में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो डिफरेंस दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली पसंद है कि यस वहाँ पे विज़िट हो के और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए, तो वो चैनल आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब अमेज़ॉन में एक इशू खड़ा हुआ है, काफ़ी सारे सेलर्स ने फेस किया होगा कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में फ्री शिपिंग आ जाता है अचानक से। सेलर को भी नहीं पता होता है कि वो फ्री शिपिंग कहाँ से आ गया। बहुत सारे सेलर्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्ट में शिपिंग डाली हुई है लेकिन फिर भी उसमें फ्री शिपिंग दिखा रहा है, जब वो ऐड टू कार्ट करते हैं तब वहाँ पे वो शिपिंग चार्जेस दिखाते हैं। तो अमेज़ॉन को भी फ़ोन करके पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है, तो अमेज़ॉन वालों ने बोला कि आप शिपिंग ओवरराइड की जो फाइल है उसको डाउनलोड करके आप उस पर डिटेल्स डाल के फिर से अपलोड कर दीजिए तो हो जाएगा। मतलब बेसिकली उनका जो टेक्निकल ग्लिच है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कस्टमर से ही सारी मेहनत करवा रहे हैं। ऑब्वियसली फिर इसमें हुआ क्या कि अपने आप ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे सेलर्स के लिए रिजॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपने लिस्टिंग्स में, तो अमेज़न कस्टमर केयर में फ़ोन करके एक बार रिकन्फर्म कर लीजिएगा। एक अच्छी खबर है यूपी और बिहार में रहने वाले की, अगर वो लोग अमेज़न के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स वहाँ पे खुलने वाले हैं ज़्यादा तादाद में, क्योंकि अब GST आने के बाद ये एंट्री टैक्स के लफड़े जो थे वो सारे चले गए हैं, फॉर्म्स के बहुत सारे लफड़े जो थे वो भी चले गए हैं, तो नॉर्म्स जो है वो बहुत रिलैक्स्ड हो गए। तो अब वहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर्स खुलेंगे और आपको वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। और इसी के साथ ना कि सिर्फ अमेज़ॉन, जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेस साइट्स हैं इंडिया में, उन्होंने यूपी बिहार गुजरात जैसे स्टेट्स पे अब हाई वैल्यू वाली जो प्रोडक्ट्स है वो वापस डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीच में बंद कर दिया था अक्टूबर 2015 से बिकॉज ऑफ एंट्री टैक्स, और गुजरात में तो हालांकि लास्ट ईयर ही हुआ क्योंकि वहाँ पे एंट्री टैक्स लगा दिया गया था, तो हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स जो थे वो नहीं जा रहे थे, बट अब टैक्स का कोई लफड़ा है नहीं, तो अब हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी जा रहे हैं और प्रीपेड में भी जा रहे हैं। वहाँ पे फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि वो लोग ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करेंगे फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू, और साथ साथ मिंत्रा भी आ गया है ऑफलाइन बिजनेस की तरफ, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मॉडल तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटेल का जो कॉन्सेप्ट है अभी का नहीं है, हज़ारों साल पहले का है और वो अगले हज़ारों साल तक रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन की, वो आज है कल नहीं है, क्या भरोसा। आपने देखा है बहुत सारी ई कॉमर्स साइट जो वो आज है कल नहीं है, गायब हो जाती हैं, तो ये रिटेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी इतना जल्दी गायब नहीं होगा। हाँ, रिटेलर्स जो है वो बिज़नेस बदल देते हैं, बट रिटेल बिज़नेस वहीं के वहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं वर्ल्ड में ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से जो भी खरीदते हैं उसमें से
बहुत सारे हम कहते हैं कि कस्टमर्स जो है कंप्लेन करते रहते हैं और रिटर्न रिक्वेस्ट डालते रहते हैं। आपको क्या ये पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में तो नहीं बट एशिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग कौन सी कंट्री में हैं जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ही होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है। गलत जवाब। सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में करीबन 35% लोग ऐसे हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू परचेज़ किए हुए प्रोडक्ट्स में कंप्लेंट्स करते हैं, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट या फिर कोई कंप्लेंट, बिकॉज उन लोगों की जो स्टैंडर्ड है वो इतनी हाई है और प्रोडक्ट जो आपको पता है वो ज़्यादातर तो आता है सिंगापुर में, तो कुछ बनता नहीं है, आता है मोस्टली सब चाइना से, इंडिया से तो कुछ जाता नहीं होगा। और चाइना का तो आपको पता है कि क्वालिटी कैसी मिलती है। 70% सेलर ऐसे होंगे जो अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, 30% सेलर जो होंगे वो ख़राब प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, तो उसकी वजह से सिंगापुर में रहने वाले लोग इतना भी नहीं चलाते। अब ये एक ख़तरनाक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, बट बताने वाला हूँ। अगर ये प्रोडक्ट किसी के पास आ जाए तो वो किसी के भी बैंड बजा सकता है। उसका नाम है USB किलर। यस, ये USB किलर एक ऐसा USB डिवाइस है जहाँ पे वो प्रोडक्ट एकदम आपको USB डिवाइस की तरह दिखेगा, लेकिन उसके अंदर 4-5 कैपेसिटर होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे ही कोई वो डिवाइस को किसी के लैपटॉप में या फिर केबल के थ्रू फ़ोन में अटैच कर दे तो एक स्पार्क के साथ सारा का सारा खेल ख़त्म। तो ये डिवाइस इंडिया में नहीं मिलता है और ना मिले उतना ही अच्छा है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में मिलता है और ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अब इसको आप ढूंढना मत शुरू कर दीजिएगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कभी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके वहाँ पे आया बैठा और कुछ हुआ और आपका सिस्टम बंद हो गया। फिर आप सोचेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है, तब आप समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसा गया होगा अंदर और फिर सब। यस, मैं भी कंफ्यूज था, आप भी कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे अबाउट HSN कोड्स, अबाउट टैक्स रेट्स। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, सब तो मैं पॉसिबली नहीं दे पाऊँगा, लेकिन गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको HSN कोड्स भी बताएंगे और टैक्स रेट भी बताएंगे, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो ऐप्स हैं वो सब पैसे कमाने के चक्कर में बनाए गए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से बेस्ट ऐप कौन सा है, आप रिव्यूज़ देख के उसको इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भी इन्वॉल्व रहती है वहाँ पे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले वो सारी चीज़ें आप देख लेना कि कस्टमर्स के, मतलब जो भी डाउनलोड कर रहे हैं उसका रिव्यू कैसा है, उसके बाद वो ऐप्स को आप डाउनलोड करना और उसमें यूज़ करना। ये न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट जो GST काउंसिल है उसने दी थी कि एक उन्होंने ऐप लॉन्च किया हुआ है वो, और वो ऐप है उसकी भी रेटिंग अच्छी है और नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आया है और iOS के लिए आने वाला है। OnePlus 5 अभी तक का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़ोन बन चुका है Amazon में, मतलब आप इमेजिन करिए कि कितने फ़ोन्स बिके होंगे। येस, नो डाउट कि ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन था अभी तक का इन एंड्रॉयड कैटेगरी, बट इतने सारे फ़ोन अभी भी वेटिंग लिस्ट चल रहा है। शुभम भी यहाँ पे बेचारा मुँह लटकाए बैठा हुआ है, उसको भी फ़ोन चाहिए, तो लेट्स सी मिलता है कि नहीं। अब देखिए मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये एक लॉ पास हुआ है, अगर आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपको मैंडेटरीली उसके ऊपर नई प्राइसिंग डाल के प्रोडक्ट को बेचना होगा। अगर आप पकड़े गए तो यस, जेल टर्म हो सकता है। तो ये भाई देखो, जेल वेल जो है ना वो बहुत ही कॉमन चीज़ है बिजनेस में, ठीक है, मतलब आपको नहीं डरा रहा नहीं हो, बट ये होता है, ये लीगल थिंग है, ठीक है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो MRP होना बहुत ज़रूरी है, ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें MRP हो। अगर आप इम्पोर्टर हैं उसके ऊपर कोई समझ लीजिए कि कोई MRP नहीं है और आप खुद का ट्रेडमार्किंग कर रहे हो और प्रोडक्ट खुद ही लॉन्च कर रहे हो, तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसमें MRP हो और रिवाइज्ड MRP हो। अगर आप MRP से ज़्यादा प्राइस में बेचोगे तो जेल होगा और 1,00,000 तक का फाइन। आपको डरा रहा नहीं हूँ, फिर भी मान लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोगों को शायद ये अभी तक नहीं पता है कि गुड़गांव का नाम चेंज हो गया है, गुड़गांव से हो गया वो गुरुग्राम, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो गुरुग्राम में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है, उसका नाम है कॉपीकैट, वो अटैक का नाम है कॉपीकैट, एक क्लोदिंग फर्म के ऊपर। अब वो जो अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं,
वो लोग मांग रहे 24 लाख रुपए इन रिटर्न, अदरवाइज वो उनका जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको डिलीट कर देंगे या फिर उड़ा देंगे या बम फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो 24 लाख रुपए मांग रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। तो अब समझिए कि मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच रही है, वो लोग पैसा नहीं मांग रहे, बिटकॉइंस मांग रहे हैं। मतलब कल को कोई उठ के आएगा आपके पास, बंदूक रखेगा, है भाई चल 20 मिनट ट्रांसफ़र कर बिटकॉइन, तो आप क्या करोगे, सोचना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान में एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में एक रोबोट, यस, लेडीज़ के फॉर्म में, वो भी लेडीज़ के फॉर्म में एक रोबोट ने पिज्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और जिसकी वजह से सेल्स जो है वो डबल हो गए। अब इमेजिन करिए, ऐसी टेक्निक यूज़ करने के बाद सेल्स डबल हो गए, मतलब लोग क्रेजी हो गए ये सब चीज़ें देखने के लिए, ये कैसे पॉसिबल है एक रोबोट आ रहा और पिज्ज़ा डिलीवर कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेशन तो वो था ही रोबोट, और क्रिएटिविटी, वो रोबोट को ला के यहाँ बिठाना और पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाना, ये एक क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने सेल्स को ग्रो करना है, तो इम्प्रेसिव। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, बट एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, अच्छे बुरे जो भी हो, प्लीज़ डालिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो मैं उड़ा दूंगा और पसंद आए तो रखूँगा, सीधी सी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और वीडियो बहुत लंबा हो गया तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तो अब मिलेंगे कल, शायद कल मेरे इंग्लिश चैनल में एक व्लॉग अपलोड होगा अबाउट अहमदाबाद वन सीक्रेट शॉपिंग सेंटर। सीक्रेट मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो अहमदाबाद के बाहर रहते हैं, अहमदाबाद वालों को तो पता ही है बट बाहर रहने वालों को वहाँ पे क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें कल के व्लॉग में आएगा मेरे दूसरे चैनल में, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड नाइट, बाय बाय।